हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के मैं अपनी इस नए वीडियो में प्रोरेटा का एक लॉन्ग क्वेश्चन समझाने वाला हूं, ठीक है। इसमें मैंने एक गुजरात बोर्ड की बुक है 12th की, उसमें से मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन दे सकते हैं, पेज नंबर 42 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। क्वेश्चन का नाम है भारतीय फूड प्रोडक्ट्स। ओके, तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो। उससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो में समझाया था वो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मतलब सारी चीजें नहीं, कुछ चीजें। देखो, प्रोरेटा का सिंपल अगर हम मतलब समझने जाएं तो जिसको हम बोलते हैं कि रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना का मतलब क्या है कि हमने ये सिखा है कि अगर एक्स्ट्रा चीजें मिली हैं तो उनको कैंसिल कर दो, लेकिन यहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है एक्स्ट्रा चीजें मिली उनको कैंसिल मत करो, उनको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि अगर मुझे 10 लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, मैं 5 लोगों को ही अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब 5 लोगों को ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो एक काम करो 10 और 5 का रेशियो बना लेना। जिसने 2 लोग के लिए अप्लाई किया मैं उनमें से एक को रखूंगा, यानी 2 शेयर जिसने मांगे मैं एक शेयर दूंगा उसको, समझ में। ये हमने सिखा है। तो प्रोरेटा में देखो 3 से 4 मेथड यूज हो सकते हैं। 3-4 मेथड मतलब, एक हम पूरे शेयर कैंसिल कर सकते हैं, एक पूरा एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक दोनों का मिक्सचर, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन अगर अब ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना होता है। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, एक बार रीड कर लेना, और जैसा कि मेरी आदत है मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करके सुनाऊंगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भारतीय फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड issued 80,000 equity shares to the public at rupees 10 per share. Company called up the amount as under. 80,000 shares है, price 10 है। आगे question में लिखा हुआ है, on application rupees 4 per share, on allotment rupees 3 per share, on final call rupees 3 per share. Okay, ये आपका call दिया हुआ, कैसे किया हुआ है। आगे लिखा हुआ है, application were received from public for 120,000 shares. Its allotment was made up by company as under. क्या बोला है? Full allotment was made to applicants of 32,000 shares. यानी कि 32,000 लोगों को पूरा का पूरा उनको allot कर दिया है। फिर आगे बोला है, not a single share was allotted to applicants of 24,000 shares. यानी 24,000 लोगों को एक भी share नहीं दिया हुआ है। फिर आगे लिखा है, 48,000 shares were allotted to applicants of 64,000. यानी कि 64,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको सिर्फ 48 ही एक्सेप्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल अमाउंट्स वेयर रिसीव्ड इन टाइम पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फ्रॉम अबव इन्फॉर्मेशन। ओके, अच्छा देखो, कुछ चीजें ध्यान रखना, स्पेशली 12th बोर्ड वाले, कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन प्रोरेटा का है या नहीं। तो ये 3 चीजें हैं जैसे लिखी हुई है, तो इन्हीं 3 चीजों में से वहां पे आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, यही 3 चीजें पढ़ के आपको पता चलेगी कि प्रोरेटा है या नहीं। पहला चीज तो ये होगा कि कहीं भी लिखा नहीं होगा कि हमने कितने शेयर कैंसिल कर दिए। जैसे हमारा जो पुराना तरीका था उसमें लिखा रहता ना, एक्सेस शेयर एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, कहीं नहीं लिखा है। देखो, एक्सेस एप्लीकेशन वॉज रिजेक्ट कहीं नहीं लिखा है। इसमें उल्टा लिखा क्या है कि 32 वाले को फुल दिया, 24 वाले को कुछ भी नहीं दिया, और 64 वाले को 48 दिया। तो यही चीजें पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि प्रोरेटा अलॉटमेंट है या नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने हर वीडियोस में बताया हूं कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये स्पेसिफिक शेयर वाले में ही हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जगह भी अगर जितना हो सकेगा मैं उतना कोशिश करूंगा कि चीजों को आपको समझाने की कोशिश करूं, शॉर्ट में कहूं या आपको सिंपल लैंग्वेज में। तो जैसे अभी इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं हर बार क्या करता हूं, क्वेश्चन को छोटे से पेपर में लिख के आपको दिखा देता हूं ताकि बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ना पड़े। तो इस बार भी हम वैसा ही कुछ करते हैं। करते क्या है, ये देखो, कर भी दिया मैंने। तो क्या किया है कि 80,000 शेयर से 120 के लिए अप्लाई किया है, देखा ना, 80,000 हमने इश्यू किया था, 120 के लिए अप्लाई मिल गया है। अब उसको यहाँ पे लिख भी दिया कि हमने प्रोरेटा वाला रूल अप्लाई करना है, 32 को 32 दे दिया, 24 को कुछ भी नहीं दिया, 64 को 48 दिया। तो देखो, हमारा ये 80 हो गया और ये 120 हो गया, यानी हमारा जो तरीका है, यानी हमारा जो काम था वो तो हो गया ना, कि 120 लोगों ने अप्लाई किया उनको 80 देना है, हमने प्रोरेटा दे दिया। अब देखो, एप्लीकेशन का 4 है, अलॉटमेंट 3 है, फाइनल 3 है, 4-3-3, कहीं भी इसमें कॉल्स इन एरर या कॉल्स इन एडवांस नहीं है ऐसा, तो वो चीजें मैंने नहीं लिखी है, यानी कि इतने में हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो बस अभी इसको ही माइंड में रखते जाना है और सॉल्व करना है। तो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो,
हम लोग जनरेट स्टार्ट करें उससे पहले जब भी कभी आप प्रोरेटा वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक छोटा सा टेबल बना लो। देखो मैं ये बात मानता हूँ कि टीचर्स सपोर्ट नहीं करते इस टेबल को, ठीक है, सारे टीचर्स मना करते हैं कि भाई टेबल की जरूरत ही नहीं है, बिना टेबल के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट पता नहीं कहते हैं ना कि इस चीज से मुझे मोहब्बत हो गई है भाई, हम छोड़ ही नहीं सकते इसको। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आसान तरीका, क्योंकि कहते हैं ना टेबल रिप्रेजेंट करके हम बाद में क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ देख के सारा एंट्री कर सकते हैं, कंफ्यूजन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सो कि आप अपना तरीका यूज कर सकते हैं, बट ये कहते हैं ना एक बार भाई सामने वाले का तरीका भी देख लो, हो सकता है उसका तरीका आपसे ज्यादा ईजी हो, ठीक है। तो वही मैं भी कहता हूँ कि एक बार देख लेना, शायद मेरा तरीका ज्यादा ईजी हो। तो अब देखो इसमें टेबल में करना क्या है, सबसे पहले लिखना है कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब जो हमने एप्लीकेशन रिसीव किया है उसकी बात हो रही है, ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड। फिर क्या लिखा है, हमने कितना शेयर अलॉट किया। फिर क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव, यानी इस एप्लीकेशन में कितना अमाउंट रिसीव किया। फिर ये लिखा है एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया, फाइनल कॉल में कितना ट्रांसफर किया, और लास्ट है बैंक, यानी बैंक यानी जितना शेयर ने एक्सेप्ट किया है उनका पैसा हम ट्रांसफर कर देते हैं, उनको बैंक में वापस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे मैंने जो छोटा सा क्वेश्चन बनाया था, टेबल चार्ट बनाया था, बस उसी में से कॉपी करूंगा मैं। देखो ध्यान से देखना, ओके, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 32, तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 32, 24, यानी बुक में जैसा लिखा हुआ था मैं उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, कोई तरीका एक्स्ट्रा नहीं लगा रहा हूँ, कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगा रहा हूँ। ये देखो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 120 टोटल हो गया इसका, ठीक है, मुझे यानी 120 के शेयर्स मिले थे, मैंने एक्सेप्ट किया है 80। अब देखो 32 एप्लीकेशन जो रिसीव किया था हमने अलॉट किया पूरा 32, 24 जो हमने एप्लीकेशन रिसीव किया था उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया है, और 64 जो रिसीव किया था हमने कितना अलॉट किया है 48। तो इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद इन लोगों ने कितना अमाउंट पे किया होगा, यानी हम कितना अमाउंट रिसीव किए होंगे, तो 32 × 4 कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, 32 × 4 आएगा 1,28,000, ठीक है। फिर है 24 × 4 आएगा 96,000, फिर है 64 × 4 आएगा 256, यानी इतना अमाउंट हम लोगों ने रिसीव किया होगा। अब इसका टोटल कर लो कितना हो रहा है, 96,128, यानी 480 हो रहा है ना। अब देखो 120 × 4 डायरेक्टली करता तो भी यही होता है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग करके दिखाया है, समझ में आया। अब उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन। अब देखो 32 का हमने 32 एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इसका पूरा का पूरा पैसा हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं एप्लीकेशन में। 24 वाले का हमने कुछ भी नहीं एक्सेप्ट किया है, उसको अलॉट किया कुछ भी नहीं ना, यानी इसका पैसा हम क्या कर देंगे, सीधा बैंक वालों को वापस कर देंगे, यानी रिफंड कर देंगे 96। अब यहाँ पे 64 है, हमने एक्सेप्ट कितना किया है 48, ये अमाउंट कितने के अकॉर्डिंग है, 64 के अकॉर्डिंग है, पर हमने तो एक्सेप्ट किया सिर्फ 48, यानी हम 48 वालों का ही एप्लीकेशन में लिखेंगे, ओके। तो 48,000 वालों का अमाउंट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो आ गया 192, यानी मैं सिर्फ 192 ही ट्रांसफर कर सकता हूं। अब इसका टोटल करोगे तो 128 और ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 320, कितना हो गया 320,000। देखो 80,000 हमने शेयर इशू किया था ना, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो भी इतना ही आता, समझ में आया, क्लियर हुआ। यानी इस टेबल को बनाने से आपका कोई लॉस नहीं होगा, उल्टा चीजें आसान होती जाएंगी। थोड़ा ऐसा कहते हैं कि ये थोड़ा ऐसा बड़ा बड़ा दिखता है, कितना फैला हुआ, बट ट्रस्ट मी समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, अब आगे देखो। अच्छा अब देखो इसका तो पूरा पैसा सेटल हो गया, यानी आगे कुछ जाने लायक है नहीं, सेकंड वाले का पूरा सेटल हो गया, बचा ये वाला। यहाँ पे 256,000 है, यहाँ पे 1,92,000 है, यहाँ पे कितना है 256 है और यहाँ पे है 1,92,000। अब इनका डिफरेंस अगर निकालो तो कितना बच रहा है, 256 − 192, यानी बच रहा है 64,000। तो उस पैसा को हम क्या करेंगे, हमने कहा था हम उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम उन्हें क्या करते हैं नेक्स्ट में ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है अलॉटमेंट, यानी हम इन पैसों को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, समझ में आया।
क्लियर हुआ? अब मैंने कहा था ना कि जो नॉर्मली टीचर यूज करते हैं डायरेक्ट वाला तरीका क्या है कि यहाँ पे 64,000 शेयर मिला है, यहाँ पे 48 मिला है, डिफरेंस कितना आएगा? 64 माइनस 48 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो डायरेक्टली आ गया 64, यानी कि जितना एक्स्ट्रा शेयर उसका डायरेक्टली पैसा लिख दिया। ये दूसरा तरीका होता है, पर जैसा मैंने कहा कि जब आपको और इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे ये तरीका अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं शुरू से ही आपको ये तरीका बता रहा हूँ ताकि आप जब वहां जाओ तो आपको ऐसा ना लगे यार ये वाला तरीका तो हमें आता ही नहीं, हमें तो वही वाला आता है, ठीक है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं शुरू से ही इस वाले तरीके पे आपको फोर्स करूंगा भाई कि आप यही तरीका एक बार ट्राई करो। आप कुछ क्वेश्चंस में ट्राई करो, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है ज्यादा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप वापस इसी पे आ जाना कि 64 में से 48 माइनस करो, 16,000 ज्यादा मिल गया है, उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो अलॉटमेंट में, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये टेबल समझ में आ गया कैसे बनाना है, मैं एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका टेबल, देख लो फटाफट। 32 वालों का 32 पूरा एक्सेप्ट किया था, 24 का कुछ भी नहीं किया था, 64 का 48 किया था, मैंने वही लिखा है, बस एक्स्ट्रा आप क्या किया यहाँ पे अमाउंट भी लिखते गया, 32 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन, 24 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन, 64 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन लिख दिया। अब बात आती है आगे अमाउंट लिखने की, तो हमने 32 का पूरा एक्सेप्ट किया यानी पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देना, 24 का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए पूरा का पूरा रिफंड कर देना है, 64 का 48 64 का 48 एक्सेप्ट किया है तो 48 के अकॉर्डिंग ही हमने एप्लीकेशन में ट्रांसफर किया, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे बचे वो हमने नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया? टेबल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अभी जनरल एंट्री कर लेते हैं, तो जनरल एंट्री जैसे हम पहले करते थे वही पूरा है बेसिक, तो मैंने कहा है कि आप बेसिक पे फोकस रखो बाकी चीजें होती रहेंगी। कहते हैं ना हर समस्या का जो समाधान है वो उसके मूल में ही होता है, मूल मतलब जड़ में ही होता है, तो यही है हमारा मूल यानी जिसको हम कहते हैं बेसिक, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था, ठीक है, तो अप्लाई करके देखते हैं। पहले मैंने क्या कहा था कि भाई हमारा जो बेसिक है वो ये है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। मैं जैसे जैसे वीडियोस बनाते जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट पे आ जा रहा हूँ, उसका रीज़न है कि मैं आपको इतनी बार लिख चुका हूँ कि अब आप समझ जाओगे ऐसे का मतलब शेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलो देखो कितना हमने रिसीव किया है अपे 120, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 120 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर ये नहीं देखना चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे, ये नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे भी देख लो, हमने कितना रिसीव किया 480,000, तो डायरेक्टली 480 लिख दो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 480, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला करना है ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर करने के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, फिर कुछ पैसे हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो टू अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, और यहां पे क्लियर लिखा हुआ है देखो, और देखते रहना ध्यान से। और कुछ शेयर हमने रिजेक्ट भी किए हैं तो उनके लिए नाम क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब देखो इनका टोटल देखो, एप्लीकेशन में कितना ट्रांसफर किया 320, सॉरी हाँ एप्लीकेशन में 320 ट्रांसफर किया है, तो ये रहा हमारा जो एप्लीकेशन का कैपिटल है उसमें चला जाएगा 320, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना है 64, तो अलॉटमेंट में हमारा चला गया 64, और बैंक में कितना रिफंड किया 96, तो यहाँ पे आ गया 96, और यहाँ पे कॉपी कर दो 480,000, सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ। सिर्फ मैंने यहाँ से अमाउंट तीनों की, पहला दूसरा ये रहा तीसरा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बैंक, सिंपल है ना, यहाँ 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 तीनों को कॉपी कर दिया। इसीलिए मैं ये टेबल प्रेफर करता हूँ क्योंकि इस टेबल से क्या होता है थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, बाकी तो अब देखो हम इतने तरीके सीखते हैं लेकिन हम वही तरीका एंड में इस्तेमाल करते हैं जो हमें आसान लगता है, हमें आता बहुत कुछ है पर हम उसी चीज के पीछे जाते हैं जो हमें अच्छे से आता है, हमने क्या किसी ने सिखाया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में हम लास्ट में वही काम करते हैं जो हमें पसंद है, तो बस वही बात है, मेरा काम था आपको बताना, लास्ट में आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं, बेस्ट है आपके लिए वही कि जो आपको पसंद है वही करो। तो ये टेबल का हमारा यूज हो गया, अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी हमारा नंबर थ्री,
अभी नंबर थ्री में देखो, नंबर थ्री में मतलब नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कॉल करोगे तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो मैंने डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अब यहाँ पे कितना कॉल करोगे, 80,000 शेयर्स पे ही कॉल करोगे ना, क्योंकि हमारा तो मेन 80,000 ही है। सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे सारे शेयर्स को माइंड में रखना होता है, लेकिन उसके बाद हमारा जो एक्चुअल था हम वही ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना होगा, 2,40,000, ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट रिसीव करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पे देखो हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली 240 लिख के काम खत्म कर सकते हैं जो पहले करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया है 64,000 से, यानी इतने पैसे तो हमें पहले ही मिल गए थे एप्लीकेशन के टाइम पे, वो जो एडजस्ट किया है वही पैसा है ये। तो हमें मिलने कितने वाले हैं, 240, उसमें से 64 भैया लोग तो देंगे ही नहीं ना, तो 64,000 माइनस कर दो, बचा कितना, 1,76,000, यानी हमें अब इतने ही पैसे मिलने वाले हैं, 1,76,000। तो आ जाओ इसी पे 176 पे, क्लियर है, आया समझ में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फाइनल कॉल, है ना, ये देखो फाइनल, तो क्या लिखोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 240, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कुछ है नहीं एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनल में कोई अमाउंट ही नहीं है, कोई अमाउंट है कोई, यानी कुछ एडजस्ट ही नहीं करना है हमें। तो अभी हमने सीधा नेक्स्ट कॉल किया है, अब उस नेक्स्ट कॉल में हमें सारे पैसे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉल सीन एडवांस कॉल सीन एरर जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सारे पैसे मिल जाएंगे। तो उनकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट डायरेक्टली, सॉरी 2,40,000, क्लियर है, समझ पाया। तो ये था आपका क्वेश्चन जो मैंने 12th की बुक में से लिया था प्रोरेटा अलॉटमेंट का। देखा ना कितने आसानी से मैं फटाफट यहाँ पे लिखते गया, और आप लोग भी कितने आसानी से समझते गए। कहने का मतलब क्या है कि ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, या यूं कहूं कि ये प्रोरेटा का जो टॉपिक है इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी क्या होती है, हमारे मन के अंदर हम इस तरह से इसको देखने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ना कई बार तो सामने चीज रखी होती है ना फिर भी हमें दिखती नहीं है, तो क्यों, क्योंकि हम उसे देखना ही नहीं चाहते हैं, हम समझना ही नहीं चाहते भाई, क्यों समझे, ऐसा लगता है कि छोड़ आएगा ही नहीं तो क्या समझने का मतलब, यही हमारे अंदर होता है। आप इसको कोशिश करो एक बार समझने की, मैंने आपको इतना लेंथी वीडियो बना दिया इसका, पूरा चीजें इतनी बार एक्सप्लेन किया हूं, तो कोशिश करना इसको एक बार ढंग से देखने की। ये टेबल मैंने समझाया दो बार आपको, इसको देखना, क्वेश्चन को मैंने इतने शॉर्ट में करके समझाया उसे देखना, और ये जनरल एंट्री, तो फिर माशाल्लाह बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। तो क्योंकि ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल है, जब ये आ गया ना, ये दोनों चीजें क्लियर होगी, क्वेश्चन और हमारा ये टेबल, तो ये तो फिर हम तो महीने से करते आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप वीडियो देखते रहो, फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो है वो करो, ठीक है। और मैं इसके बाद एक दो क्वेश्चन और प्रोरेटा का लेकर आऊंगा, वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, डिफिकल्ट मतलब इनसे थोड़े आगे होंगे। और एक दो क्वेश्चन जैसे पहले तो मैंने कहा था ना कि कई बार ऐसा होता है कि इतने पैसे में मिल जाते हैं कि आगे तक ट्रांसफर करते हैं हम, एक वैसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ओके, तो वो मैं आगे की वीडियोज में लेकर आऊंगा, फिलहाल आप लोग ये एंजॉय करो, ओके, थैंक यू सो मच।